नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है रियलमी 9i, रियलमी का बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन। तो चलिए आज की वीडियो में हम करते हैं अनबॉक्सिंग। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के आगे नए 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 वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रियलमी 9i के बारे में और करते हैं अनबॉक्सिंग। देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल इसका डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है। पहले येलो कलर का बॉक्स आता था, लेकिन अभी थोड़ा ब्लैक और येलो मिक्स है, और 9i बहुत ही बड़े बड़े लेटर में लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेक्स कुछ लिखे गए हैं, स्नैपड्रैगन 680, 33 वाट का डाट चार्जिंग, 5000 बैटरी, 50 MP कैमरा है, और यहाँ पे चार्ज भी 64 GB लिखा गया है, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें हैं डिटेल वगैरह। और इधर जो लिखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स कंटेंट सब लिखा गया है। तो हम अभी ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स के अंदर है। तो चलिए जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। इस पर काफी टाइट पैकिंग है, देख सकते हैं। ओ यहाँ पे एक और बॉक्स है छोटा सा, शायद इसके अंदर कवर होना चाहिए। जी हाँ, एक सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट बैक कवर है अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड, और यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं, और ये है फाइनली हमारा डिवाइस रियलमी 9i। अभी इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर एक चार्जर, देख सकते हैं ये है इसका एडाप्टर, और ये है USB टू टाइप सी का डेटा केबल। बस बॉक्स के अंदर आपको इतना ही चीज़ें मिलते हैं। तो फाइनली चलिए हम फ़ोन को देख लेते हैं, रियलमी 9i कैसा है स्मार्टफोन। मेरे पास अभी ब्लैक कलर मिल पाया, और इसका ब्लू भी आता है। देख सकते हैं पीछे की तरफ जो है ग्लॉसी फिनिश है, और थोड़ा सा डिजाइन तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है लाइनिंग टाइप का। देख सकते हैं यहाँ पर लाइट की वजह से आप तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ग्लॉसी है। और कैमरे का डिज़ाइन देख सकते हैं बिल्कुल इस बार कैमरे का डिज़ाइन जो है बिल्कुल चेंज किया गया है। देखते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर ऑन बटन दोनों एक साथ है, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन है। सिम इजेक्टर सिम ट्रे आपको यहाँ पे मिलेगा, और नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और नीचे की तरफ देख सकते हैं टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, और 3.5 mm जैक है, और यहाँ पे एक स्पीकर है। तो अभी हम कवर थोड़ा लगा के देख लेते हैं कैसा लगता है। देखिए कवर लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा फ़ोन। तो दोस्तों बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दे दिया है आपको। इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, तो एक अच्छी बात है। देख सकते हैं डिस्प्ले का क्वालिटी भी अच्छा है और स्मूथ है। 90Hz रिफ्रेश रेट आपको मिल जा रहा है, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। तो देख सकते हैं इसका जो पैक सीट है यहाँ पे बिल्कुल अबाउट फ़ोन में निकल गया है। मॉडल का नाम रियलमी 9i, और रियलमी UI वर्सन 2.0 है, एंड्रॉयड 11 दिया गया है। मैं सोचता था शायद 12 भी आ जाएगा, तो इन फ्यूचर आपको मिल जाएगा। और स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 4 GB का रैम है, और 1 GB आप यहां से एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 से लेकर 3 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और डिवाइस का स्टोरेज 46.2 GB अवेलेबल है 64 GB से। तो चलिए थोड़ा कैमरा देख लेते हैं। देख सकते हैं यह है कैमरा का इंटरफेस, देख सकते हैं यहाँ पे नाइट मोड है, वीडियो फोटो पोर्ट्रेट मोड में चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। स्लो मो है, टाइम लैप्स है, एक्सपर्ट मोड है, एक्स्ट्रा HD है, पैनोरामा मोड है, टेक्स्ट स्कैनर है, और अल्ट्रा माइक्रो, ठीक है। 50 MP चाहे तो आप यहाँ से ऑन करने के बाद ही आपको 50 MP का पिक्चर कैप्चर करके देगा, ठीक है। आपको अगर 50 MP का पिक्चर चाहिए तो आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। कैसे ऑन करना है, आपको सिंपली स्वाइप करना है,
यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या है, तो ऐसे स्वाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। ये 50 मेगापिक्सल का है, थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप 50 मेगापिक्सल में कैप्चर करते हैं, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देख सकते हैं, ये 50 मेगापिक्सल का पिक्चर है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा है। और साथ ही आपको 5000 mAh का बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी देगा। बजट के हिसाब से अच्छा डिवाइस है। अगर आप रियलमी पसंद करते हैं तो आपको आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अगर आपका बजट 12-13 हज़ार ऐसा कुछ रेंज में है तो ये एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।